गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैथेड्रल बिल्स प्राइवेट लिमिटेड के आज के प्रोग्राम में हम टिम्बर मार्केट के बारे में जानेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्मर जब महोगनी या टीकुड़ का प्लांटेशन करता है उस समय उसे जो बातें बताई जाती है तो उससे उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। उसके बाद जो बायर होते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या फॉरेस्ट के जो टिम्बर्स है वो ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं रादर देन जो किसान अपने खेत में लगाते हैं, तो ऐसा क्यों है, द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट्री टिम्बर एंड नॉर्मल फार्म में जो उगाए वाली टिम्बर है उन दोनों के बिटवीन का डिफरेंस आज देखेंगे। उसके बाद जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है टिम्बर का उसके अकॉर्डिंग जिस टिम्बर का रेट प्राइसेस कैसे डिसाइड्स होते हैं, क्यूबिक फिट के अनुसार कैसे डिसाइड होते हैं या टन के अनुसार कैसे डिसाइड्स होते हैं। उसके बाद जो टिम्बर का शेप है, कलर्स है, उसका अपीयरेंस है, वो प्राइसेस पे उसका क्या इफेक्ट होता है एंड बायर उस टिम्बर को परचेस करने से पहले रियलिटी में कैसे थिंक करता है, कैसे वो अपना प्रॉफिट कमाता है, कैसे मीडिएटर का रोल होता है। उसके बाद ज़्यादातर पूरे इंडिया में बहुत सारी जगह पे टीकुड महोगनी लगा हुआ है वो सेल क्यों नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज कैसे आते हैं, परमिट्स का इश्यूज कैसे आता है एंड जो फॉरेन मार्केट है इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं फार्मर का कि फॉरेन मार्केट में से ज़्यादा क्यूबिक फिट का या ज़्यादा अमाउंट का उसका टिम्बर सेल हो, इन सारी बातों के बारे में आज हम जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लांटेशन करते वक्त फार्मर्स की थिंकिंग क्या होती है। एग्जांपल से आपको समझाने के लिए हमने 1 एकर का प्लॉट लिया है और स्टैंडर्ड हमने 9x10 के डिस्टेंस पे 500 प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसमें आप टीकुड भी ले सकते हैं, इसमें आप महोगनी भी ले सकते हैं। तो अभी हमने महोगनी का एग्जाम्पल आपको दिया है। जैसे कि मान के चलिए अगर आपने 1 एकर की महोगनी लगाई है जिसमें आपने 9x10 के डिस्टेंस पे 500 प्लांट्स लगाए हैं, अब फार्मर क्या करता है, महोगनी को नॉलेज निकालता है, यूट्यूब से गैदर करता है, जहां से भी गैदर करता है उसको दिखता है कि कितना कितना अमाउंट उसको मिलेगा, उसके अनुसार वो कैलकुलेशंस करता है। वो कैलकुलेशंस में एक बार दोहरा देता हूँ, फार्मर ऐसे सोचता है महोगनी के बारे में कि 12 साल में महोगनी जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है क्योंकि उसी के लिए वो अफ्रीकन वैरायटी का महोगनी जो है उसे सर्च आउट करता है। अब उसके नॉलेज के अनुसार 12 साल में एक जो टिम्बर होता है उसकी जो टोटल घनफीट जो हम बोल सकते हैं क्यूबिक फीट में वो मिनिमम 25 क्यूबिक फीट का एक टिम्बर हो जाता है। उसके बाद वो कैलकुलेशन करता है कि अभी अगर मार्केट रेट देखे, जैसे इंडिया मार्ट पे देखता है, यूट्यूब पे देखता है या फिर कुछ एक्सपोर्टर्स इंडिया जैसे साइट्स पे वो देखता है, तब उसे समझ में आता है कि महोगनी के लकड़ी का जो मार्केट रेट है वो 800 रुपए से लेके 2500 रुपए प्रति घन फीट तक जाता है। तो वो कम से कम मान के हमने ऐसा चला है कि 1200 रुपए घन फीट ऐसे उसने अभी सोचा है और उसके अनुसार कैलकुलेशन में 500 ट्री, एक ट्री कम से कम 25 घन फीट का होगा और 1200 रुपए घन फीट के अनुसार वो कम से कम 1.5 करोड़ रुपीस कमाएगा, ऐसे उसकी थिंकिंग होती है। शायद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी शायद यही थिंकिंग होगी जिसमें आपने सोचा होगा कि अगर 1.5 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 20% हम अगर ओवरऑल रिडक्शन भी कर देते हैं तो भी 1.2 करोड़ रुपए मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, जिसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं 12 साल की आपके मेहनत से तो आपको पता चलेगा कि 10 लाख रुपए प्रति साल आपको इसमें मुनाफा दिख रहा है। ये आपकी अभी की करंट थिंकिंग है, लेकिन क्या यही सच है या झूठ है या कुछ और ही रियलिटी है या आप इल्यूजन में रह रहे हैं, इसकी जानकारी अभी आपको पता चलेगी। सबसे पहले हम आपको जो बायर है वो किसी फार्मर से टिम्बर परचेस करने से ज़्यादा किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑक्शन में जाके टिम्बर परचेस करना ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए इंडिया में मैक्सिमम फार्मर के खेत में 30-35 साल से 30-35 ईयर से
टिम्बर जो है, चाहे वो महोगनी के हो, टीकूड के हो, ऐसे सालों से पड़े हुए हैं लेकिन उसे कोई परचेज करने नहीं आ रहा, और जिस वजह से जो फार्मर है वो परेशान है। तो इसके पीछे की कुछ वजह जो है, जो रियलिटी है, ये समझने के लिए आपको फॉरेस्ट्री प्लांट मतलब फॉरेस्ट में ग्रो होने वाला टिम्बर और किसान के खेत में ग्रो होने वाला किया जाने वाला टिम्बर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना जरूरी है। सबसे पहले जो फॉरेस्ट्री प्लांट होता है वो नेचुरली ग्रो होता है, उसके लिए कोई सीड प्रपोगेशन नहीं होता है। हो सकता है कोई महोगनी का टिम्बर हो, उसके बीज से ऑटोमेटिकली बीज कहीं पे गिरा हो, वहां से ऑटोमेटिकली महोगनी उग गया हो, या सागवान जो बोलते हैं टीकूड है वो उसी तरह से उग गया हो, तो वो नेचुरल होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। हालांकि जो मैनमेड जो किसानों के खेत वाला होता है, किसान चाहता है कि उसका गर्त अच्छा आए, उसका कलर अच्छा आए, उसको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलना चाहिए, इसलिए वो उस पौधे की सेवा करता है जिसमें वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो भी होता है ये सारी चीजें उस प्लांट को वो प्रोवाइड करता है, लेकिन फॉरेस्ट्री प्लांट में ये कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि फॉरेस्ट्री प्लांट जो होता है वो 30 साल पुराने, 40 साल पुराने होते हैं, जिसकी वजह से जितना पुराना टिम्बर होता है उतना ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। लेकिन जो किसान के खेत में उगने वाला टिम्बर है, जैसे कि महोगनी के टिम्बर है, वो 12 या 15 साल तक ज्यादा से ज्यादा किसान रुक सकता है, किसान 30 या 35 साल तक नहीं रुक सकता। इसीलिए उसकी जो मैच्योरिटी होती है वो कम होती है रादर देन एक फॉरेस्ट्री टिम्बर से। तीसरा डिफरेंस है ग्रेन्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टिम्बर के अंदर होते हैं ग्रेन्स, उस ग्रेन्स से ही उस टिम्बर से कौन सा फर्नीचर बनाया जा सकता है, या कौन सी दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, वुडन प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है। हाईली एंड कॉस्टलियर वुडन प्रोडक्ट बनाने के लिए मैक्सिमम 90% चांसेस ये है कि बायर हमेशा स्ट्रेट ग्रेन वाले फॉरेस्ट में उगे टिम्बर का यूज करेगा। तो फिर फार्मर के खेत में जो उगने वाले टिम्बर होते हैं वो उसमें जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है मतलब ग्रेन्स होते हैं वो पार्शियली स्ट्रेट होते हैं, जिसके वजह से उसकी कोई नया प्रोडक्ट जिसमें डिजाइन ज्यादा करनी हो उसमें वो टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए उससे सिर्फ पट्टियां मतलब टेबल कुर्सी इसी तरह की चीजें इससे बनाई जाती है। चौथा डिफरेंस है रेडिश कलर। रेडिश कलर में मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि मान के चलिए फॉरेस्ट्री प्लांट जो है, ये अगर फॉरेस्ट्री का टिम्बर है और ये अगर हमारे किसान के खेत में उगाया जाने वाला टिम्बर है, तो जब 12 साल के बाद या कटिंग करने के बाद हम उसको देखेंगे तो फॉरेस्ट्री के टिम्बर में जो रेडिश कलर है वो लगभग मैक्सिमम होता है, जो रेडिश कलर है वो मैक्सिमम होता है उसी तरह ये फॉरेस्ट्री का है। और अगर उसी समय हम किसान के खेत में जो टिम्बर कटिंग हुई है उसका देखेंगे तो ये रेडिश कलर छोटा होता है, उसमें जो रेडिश कलर होता है वो छोटा होता है। इस वजह से क्या होता है कि रेडिश कलर ज्यादा होने की वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, रेडिश कलर कम होने की वजह से जो रिमेनिंग कलर होता है ये फेंट रेडिश से लेके व्हाइट तक होता है। इसमें रिमेनिंग कलर जो होता है ये भी फेंट रेडिश से व्हाइट तक होता है, लेकिन उसका परसेंटेज जो है वो ओनली 10 to 15% होता है। हालांकि हमारे किसान के खेत में जो टिम्बर उगता है उसमें जो रेडिश कलर होता है वो 35 to 40% व्हाइटिश होता है और 60% या उससे कम वो रेडिश कलर होता है। ये मेन डिफरेंस होता है क्योंकि मार्केट में रेडिश कलर का ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ये तो हो गए उसके स्पेसिफिकेशन जो टिम्बर के होते हैं। अब मेन होते हैं परमिट का। अब गवर्नमेंट ऑक्शन से अगर वो खरीदेंगे तो भले रेट ज्यादा लगेंगे लेकिन परमिट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्ट का कोई इश्यू नहीं आएगा, इजीली ट्रांजिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आगे चल के गाड़ियां जब जाएगी तब पुलिस नहीं रोक सकती क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑक्शन से दिए गए हैं, गवर्नमेंट का वो टिम्बर होता है। लेकिन अगर हम
किसी फार्मर के यहाँ से खरीदते हैं उस समय पे हमें बहुत सारे परमिशंस लेने की जरूरत होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, हो सकता है हर जगह हमें अंडर टेबल वर्कआउट भी करना पड़ता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, जल्दी से रिप्लाईज नहीं आता, बल्क क्वांटिटी में एक जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं रहती जब फार्मर से लिया जाता है। हालांकि ऑक्शंस में अगर किसी बायर को 10,000 टिम्बर भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन क्या एक फार्मर के पास 10,000 टिम्बर मिल पाएंगे? अगर एक फार्मर की जगह वो 100 फार्मर के पास मिलते हैं तो 100 फार्मर के लिए हमें अलग अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, अलग अलग ट्रांजिट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग तरह से वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज्यादा पैसे का नुकसान है और फिर भी आउटपुट बहुत कम होता है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस। हमेशा जो ऑक्शंस होते हैं वो उसके 250 किलोमीटर के डिस्टेंस के बिटवीन ही होता है, लेकिन ऑक्शंस की जो प्लेसेस होता है वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर किसानों के यहाँ जो टिम्बर लगे हैं वो ऑक्शन के प्लेस से कहीं दूर है, इसीलिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक बायर हूँ और मुझे यहाँ से 500 किलोमीटर से टिम्बर यहाँ तक लाना है जिस जगह मुझे चाहिए, तो मैं सोचूंगा कि मैं 500 किलोमीटर का ट्रक का भाड़ा देने से अच्छा मैं गवर्नमेंट से ही खरीद लूं जो कि मेरे से सिर्फ 100 किलोमीटर दूरी पे है, इसीलिए मैं उसे टालता रहता हूं। तो इन बेसिक चीजों की वजह से फॉरेस्ट्री में जो टिम्बर होता है उसका रेट भी ज्यादा होता है एंड उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है रादर देन जो किसान अपने खेत में लगाते हैं उससे। अब मार्केट में टिम्बर किस तरह से खरीदा जाता है प्रैक्टिकली ये आपको बताते हैं। जैसे कि आपका टिम्बर है, मान के चलिए आपने 500 पौधे आपके खेत में लगाए हुए हैं। अब अगर उसके हम डायमीटर देखेंगे या सर्कमफेरेंस देखेंगे, उसके अनुसार सर्कमफेरेंस मतलब गोलाई उसकी कितनी है, नीचे की गोलाई कितनी है और टिम्बर की शाखाएं जहाँ से शुरू होती है उससे नीचे वाली जो टॉप पोर्शन है वहां की गोलाई कितनी है, ये चेक करते समय हम किस तरह से बायर उसे परचेस करता है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टिम्बर का जो गर्थ है, गोलाई है, वो अगर 36 इंच के ऊपर रहेगी, यानी 40 इंच, 50 इंच, 55 इंच, 60 इंच, अप टू 84 इंच मैक्सिमम साइज जो बताया जाता है, अप टू 84 इंच, मतलब 36 इंच से लेकर 84 इंच, इतने बिटवीन का अगर वो उसकी गोलाई है तो वो क्यूबिक फीट में खरीदा जाता है। और अगर 36 इंच से नीचे, मतलब 15 इंच से लेके 10 इंच से लेके 35 इंच तक का अगर वो टिम्बर होता है तो वो टन में खरीदा जाता है। अब आपको बताएंगे कि टीकूड का मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है, महोगनी का मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको टीकूड के बारे में बताते हैं। अगर टीकूड 36 इंच या उससे ऊपर के डायमीटर का या सर्कमफेरेंस का होता है, तब अगर वो किसी किसान के फार्म में लगाया हुआ टीकूड है और उसकी जो गर्त है, गोलाई है, वो 36 इंच से 45 इंच के बिटवीन की अगर होती है तो वो मार्केट में 1200 रुपीज से लेके 1475 रुपीज इसके बिटवीन में आपका टीकूड प्रति क्यूबिक फीट, प्रति घन फीट जाता है। मतलब अगर एक टिम्बर आपका 25 घन फीट का हुआ तो वो 1200 × 25 इतना भी होता है, उसके अनुसार इसका रेट डिसाइड होता है। लेकिन उसी आकार का, उसी गोलाई का अगर टिम्बर वो फॉरेस्ट से आता है तो फॉरेस्ट में उसका रेट 1200 की जगह के जगह पर 2200 से ज्यादा, मतलब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा रेट प्रति घन फीट जो है वो फॉरेस्ट्री के टिम्बर को मिलता है, और इसका रेट जो होता है वो 2200 से लेके 3000 रुपीज प्रति क्यूबिक फीट तक होता है। उसी तरह से अगर किसान के खेत में जो टिम्बर लगा हुआ है वो 46 इंच से लेके 60 इंच इसके बिटवीन में रहता है, जो कि हो सकता है कम से कम 15 साल या 18 साल पुराना हो, उस समय उसको जो मार्केट में रेट मिलता है वो 1500 रुपए प्रति घन फीट से लेके 2000 रुपए प्रति घन फीट, प्रति क्यूबिक फीट मिलता है।
उसी आकार का टिम्बर अगर फॉरेस्ट मार्केट से आता है या फॉरेस्ट से आता है तो वो 2000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब जहां किसान के खेत में 1500 रुपए घन फीट का बिक रहा है, वही अगर फॉरेस्ट से आता है तो वो 3500 रुपए, 3500 रुपीज से लेके 4500 रुपीज, 4500 रुपए प्रति घन फीट, प्रति क्यूबिक फीट के रेट से वो बिकता है। दिस इज द डिफरेंस जहां पे किसान के खेत में जो टिम्बर खड़ा हुआ है टीकूड का एंड जो फॉरेस्ट से टिम्बर लाया जाता है। अब आपको हम महोगनी के बारे में बताएंगे। महोगनी में अगर जो टिम्बर है वो 36 इंच से लेकर 45 इंच के मध्य उसकी अगर गोलाई है जो किसान के खेत में लगा हुआ है, उस टिम्बर का जो मार्केट में रेट आएगा वो 600 रुपीज प्रति क्यूबिक फीट से लेके 1100 रुपीज, मतलब 1100 रुपए प्रति घन फीट क्यूबिक फीट तक आएगा। उसी आकार का अगर फॉरेस्ट्री प्लांट या कोई क्यूबान महोगनी या दूसरा कोई अफ्रीकन वैरायटी की महोगनी जो फॉरेस्ट से कटिंग होती है, उसका जो रेट आएगा वो 2500 रुपीज प्रति क्यूबिक फीट से लेके 3000 रुपीज प्रति क्यूबिक फीट तक आता है। उसी तरह से अगर महोगनी की जो गोलाई है, सर्कमफेरेंस है, वो 46 इंच से लेकर 60 इंच तक बिटवीन में होती है, तो किसान के खेत में जो महोगनी है उसको 1200 रुपीज प्रति घन फीट से लेके 2000 रुपीज प्रति घन फीट तक का रेट मिलता है। वही अगर फॉरेस्ट का टिम्बर होता तो उसको 3500, मतलब 3500 रुपए से लेके 5000 रुपए प्रति घन फीट तक का रेट मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि किसान जब महोगनी लगाता है प्रैक्टिकली, तब वो यूट्यूब में चैनल सर्च करते हुए महोगनी लगाने से कितना अमाउंट आएगा, क्या आएगा, इसकी जानकारी लेते हुए इसको पता चलता है कि एक पौधा 1 लाख रुपए का बिकेगा। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है, असल में जो है वो एक पौधा 1 लाख के जगह पे खाली 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए तक का आपका बिकने वाला है। अब ये हमारा क्यूबिक फीट का मेजरमेंट हुआ। अब अगर टिम्बर आपका 36 इंच या उससे नीचे का सर्कमफेरेंस या गोलाई रखता है, तब वो क्यूबिक फीट में ना खरीदते हुए बायर हमेशा टन में लेना पसंद करते हैं। टन में लेते समय अगर मैं आपको टीक वुड की या सागवान की बात करूं, अगर वो 36 इंच से कम की गोलाई रखता है तो वो मार्केट में 12,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए प्रति टन के अनुसार बिकता है। और वही अगर मैं वही टिम्बर अगर फॉरेस्ट्री टिम्बर हो तो वो 25,000 रुपए प्रति टन से बाजार हमेशा खरीदते हैं। एक टीकूड के टिम्बर का जो वेट होता है वो लगभग 400 किलो से लेके 500 किलो तक का होता है, सिर्फ टिम्बर का वेट। उसी तरह से अगर मैं महोगनी की प्रॉपर्टी बात करूँ, महोगनी अगर आपकी 36 इंच से कम गोलाई की है, कम सर्कमफेरेंस की है, तो मार्केट में उससे 10,000 से लेके 12,000 रुपए प्रति टन का रेट मिलता है। उसी तरह अगर वो फॉरेस्ट्री का टिम्बर होता है तो फॉरेस्ट्री में उस टिम्बर को 25,000 रुपए 25,000 रुपीज प्रति टन का वेट मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ बातें जानना जरूरी है कि टीक वुड और महोगनी हमेशा लाइट वेटेड, मतलब हल्के होते हैं, इसीलिए इनका जो वेट होता है पूरे टिम्बर की कटाई करने के बाद भी 400 केजी से लेके 500 केजी, कभी कभी 350 केजी से लेके 400 केजी तक ही इनका जो वजन होता है वो बढ़ता है। इसके अनुसार एक टन, मतलब 3 लकड़ियों की कीमत या 2.5 लकड़ी की कीमत आपको एक टन मेजरमेंट किया जाएगा, जिसके 12,000 रुपए लगने आपको मिलेंगे। फॉरेन मार्केट में महोगनी का और टीक वुड का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। दुबई कुवैत मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हमारी कंपनी कैथेड्रल बेंच प्राइवेट लिमिटेड के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अवेलेबल है और हमारी कंपनी आपके टिम्बर को फॉरेन मार्केट में अगर जिस तरह की क्वालिटी या जिस तरह का स्पेसिफिकेशन आगे वाले बायर्स को रिक्वायर्ड होता है, वो स्पेसिफिकेशन के टिम्बर अगर आपके पास अवेलेबल है तो हमारी कंपनी आपके टिम्बर्स को फॉरेन मार्केट में भी एक्सपोर्ट करके देने का काम करती है।
इसके लिए एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस है, प्रति टिम्बर ही रजिस्ट्रेशन होता है। आप अगर आपके टिम्बर्स को इंडियन मार्केट में या फॉरेन मार्केट में कहीं पे भी अगर बिकवाना चाहे तो हमारे कंपनी के नीचे दिए हुए नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पूरी तरह से आपके टिम्बर को, चाहे वो जिस भी गर्द का होगा, जिस भी क्वालिटी का होगा, चाहे वो ए ग्रेड का होगा, बी ग्रेड का होगा या सी ग्रेड का क्यों ना हो, उसको हम सेल करके देने का काम करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।